हेलो गाइस, आज हम बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मक्खन निकालने की रेसिपी देखेंगे। तो इसे हम बिल्कुल देसी स्टाइल में और पुराने तरीके से निकालेंगे। तो ये आज हमने काफ़ी सारी मलाई जो थी, फुल क्रीम जो थी, उसको काफ़ी दिनों से दूध पर से उतार कर स्टोर करके रखा हुआ। तो ये हमने एक वीक की जो मलाई थी उसको स्टोर कर लिया था। तो ये देखिए, हमने तो अपने दूध को गर्म किया, उस पर जो मलाई आती है आधे एक घंटे के बाद, उसको हमने स्टोर कर लिया था। तो हमने सारी मलाई को एक बोल में डाल लिया है, साथ ही साथ आज की मलाई को भी हमने बोल के अंदर ऐड कर लिया। उसके साथ ही हमने इसके अंदर अपना गर्म दूध ऐड कर लिया। दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर पकाया हुआ, मीडियम साइज़ का, यानी कि आपका जो दूध है वो मीडियम होना चाहिए कि आप उसके अंदर अपनी उंगली डिप करके देख सकते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम उसके अंदर अपना दही यानी कि कर्ड ऐड करेंगे। हम उसमें टू टेबल स्पून यानी 2 चम्मच जो है दही ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद, ये देखिए हमने 2 टेबल स्पून दही ऐड कर लिया। अब हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम उसे किसी लिड या प्लेट की सहायता से या किसी अन्य बर्तन की सहायता से जो है ढककर रख देंगे। अगर आप सर्दियों में बना रहे हो तो आप इसे काफ़ी सारे कपड़े के साथ भी कवर करके रखें ताकि ये अच्छे से जम सके। अब हम इसके सुबह होने का इंतज़ार करेंगे। सुबह देखेंगे तो आप ये देखेंगे ये दही जम चुका है, साथ ही साथ जो हमारी मलाई है वह भी दही में जम चुकी है। ये देखिए, अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे हमारा दही है, ऊपर देखेंगे तो हमारी मलाई। तो इसे हम स्पून या अपने हैंड की सहायता से ग्राइंडर में ऐड कर लेंगे। जब तक हम इसे ग्राइंडर में ऐड करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप रेसिपी भी देख सकते हैं। तो अब हम अपनी सारी मलाई जो हमने दही के साथ जमा ली थी उसको अपने ग्राइंडर में ऐड कर लेंगे। देखिए, अब हमने अपनी सारी मलाई को जो है ग्राइंडर में ऐड कर लिया, यानी पूरी क्रीम को ग्राइंडर में ऐड कर लिया। अब ग्राइंडर को बंद करेंगे और पूरी क्रीम को जो है 5 से 7 मिनट तक हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि वह मक्खन यानी बटर के फॉर्म में आ जाएगी। तो ये देखिए, हम इसको 7 से 8 मिनट तक ग्राइंड करते रहेंगे, आप बीच में उसको ओपन नहीं करेंगे। सात से आठ मिनट तक ग्राइंड कर लेने के बाद अब आप देखेंगे जो हमारी मलाई थी या क्रीम थी वह अब हमारी बटर के फॉर्म में आ चुकी है। देखिए, स्पून की सहायता से ये आपको काफ़ी चिकनी दिखाई दे रही होगी। अब इसको हम स्पून की सहायता से या अपने हैंड की सहायता से आप इसको एक बॉल में बिल्कुल चिल्ड पानी लेंगे और चिल्ड पानी यानी वाटर में हम इसको अपने हैंड या स्पून की सहायता से डाल देंगे। दही को नहीं डालेंगे, केवल मलाई को ऊपर से निकाल लेंगे। मलाई जो हमारी बनने के बाद अपने आप ही ऊपर आ जाती है, क्योंकि यह काफ़ी हल्की होती है, लेकिन खाने में यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होते हैं। तो हम ऐसे ही सारी मलाई को पानी में निकाल लेंगे। पानी में निकाल लेने के बाद अब हम उसको अच्छे अपने हैंड की सहायता से अच्छी तरह से वॉश करेंगे और उसको अपने हाथ पर ऐसे ही उछाल उछाल कर उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल कर साइड कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसका अच्छे से पानी निकाल लिया है। अब हम इसको किसी अन्य बाउल में निकाल कर रख लेंगे, क्योंकि अब हमारा जो मक्खन है वह तैयार है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर ही मक्खन निकाल सकते हैं, बटर बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको एक वीक तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। गर्मियों में आप इसको 2 से 3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो इससे देसी घी भी बना सकते हैं, उसकी वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो ये हमारा मक्खन बनकर तैयार है। ऐसी वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही नई नई हेल्दी और ईजी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।